हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा डीआईवाई ऑर्गेनाइजर जो कि आप लोग बना सकते हो अपने फटे पुरानी जीन्स से और या फिर फटे पुराने कपड़े से। और जिसको सिलाई चलानी नहीं आती है वो भी इस ऑर्गेनाइजर को ईजिली बना लेगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा। मेरी मोस्ट की कोशिश यही रहती है कि जिससे कि आप लोग ईजिली आसानी से अपना बना सको कुछ भी प्रोजेक्ट। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग अच्छे से इसे देखें और अच्छे से समझें और बना लें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने ली है एक जीन्स जो कि मेरे हस्बैंड की है और जो कि फट चुकी है। आप इसमें कोई भी जीन्स यूज कर सकते हो, आपके बच्चों की हो या बड़ी हो, कोई भी जीन्स आप यूज कर सकते हो। तो अभी करना क्या है, इसको मैं नापूंगी लेंथ। इसकी लेंथ मुझे रखनी है 30 इंच। तो 30 इंच लेंथ जहाँ पर भी हो रही है वहाँ से मैं इसे कट कर लूँगी। बहुत तो मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है इसे मतलब मेजरमेंट करना। आप इंच टेप रखिए और इंच टेप से इसे मेजर कर लीजिए 30 इंच। तो मैं इसे 30 इंच कट कर लूँगी। अगर आपकी जीन्स छोटी है तो आप उसमें जॉइंट लगा सकते हैं तो थोड़ा सा, बट यहाँ पर मेरी जीन्स इतनी बैठ रही थी 30 इंच पे तो मैंने इसको यहीं से कट कर लिया। तो देखिए फ्रेंड, जीन्स को मैंने अर लिया है और इसकी साइड में जो स्टिचिंग थी यहाँ से मैं इसे कट कर लूँगी। मतलब इसको ना एक खुला हुआ पीस मुझे मिल जाएगा जो कि जॉइंट है आपस में उसको। तो खोलने के बाद में कुछ इस तरह का पीस मुझे मिला है और उसके बाद मैं देखिए जो पॉकेट का थोड़ा सा हिस्सा इसमें आ गया था वो मैं कट करके निकाल दूँगी। और उसके बाद मैं इसे इक्वल कर लूँगी यहाँ से कट करके। तो एक ही स्क्वायर सा मतलब रेक्टेंगल सा पीस मुझे मिल जाएगा। और ये जो नीचे किनारी आ रही है ना इसको भी मैं निकाल दूँगी क्योंकि किनारी की हमें ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हम बिल्कुल एक रेक्टेंगल पीस हमें मिल जाएगा यहाँ पर। और यहाँ से ना चौड़ाई मैं इसकी 10 इंच ही रखूँगी। तो 10 इंच रख के बाकी का मैं यहाँ पर इसे कट करके निकाल दूँगी। तो 10 इंच चौड़ा एक 30 इंच लंबा मेरे को एक पीस मिल गया है। तो अब इसके बाद में मुझे करना क्या है, यहाँ पर देख लीजिए आप, इसको ना इक्वल करूँगी बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ से चौड़ा हो रखा है और एक तरफ से थोड़ा नेड़ा है। तो मैं इसे बिल्कुल इक्वल ही करूँगी 10 इंची में ताकि ये इक्वल ही बैठे सारा। निशान लगा लिया है मैंने चौक से और उसके बाद इसको कट कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ भी नया बनाने के लिए अगर हम पुराने कपड़े का यूज करके कुछ बनाते हैं ना तो उसकी खुशी भी अलग होती है। तो इसलिए मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ पुरानी चीज़ों में से कुछ नया निकाल लूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने 10 इंच लंबा चौड़ाई और 30 इंच चौड़ा एक पीस निकाल लिया है। और उसके बाद ना मैंने 4 पॉकेट निकाली हैं एक तरह से दूसरे वाली जो पैंट का हिस्सा था ना उसमें से कट करके। तो इनकी जो चौड़ाई है 10 इंच और जो लंबाई है इनकी 6 इंच है। और उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने एक ना पिंक कलर की पट्टी ली है जिसकी कि मैं पाइपिंग बनाऊंगी। तो आप कोई भी कलर ले सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या फिर आप नहीं लगाना चाहते दूसरे कलर की पाइपिंग तो आप सेम कलर की भी लगा सकते हो। उसके बाद मैंने क्या किया है, फैब्रिकल ग्लू होती है ना ये लिए हमने, ये स्टेशनरी शॉप पर मिल जाती है और उसको इस तरह से फोल्ड किया है। और ये ना फैब्रिक ग्लू जो होती है कपड़ों को कपड़े को ही चिपकाने के काम में आती है, कपड़े के लिए ही यूज की जाती है ये। तो इसको इस तरह से दोनों तरफ से मैंने फोल्ड किया है, एक पाइपिंग जैसी मैंने यहाँ पर बना ली है। और इसको बनाने के बाद हमें इसको इस पर चिपकाना है यहाँ पर फ्रंट पे ताकि ये पाइपिंग जैसी लगे। तो यहाँ पर मैंने ग्लू लगा ली है। ये स्टेशनरी शॉप पे ना 15 रुपये की मिल जाती है ग्लू। छोटी शीशी जो आती है 15 रुपये की आती है और बड़ी जो आती है आई थिंक वो 35 रुपीज़ की आती है। तो यहाँ पर ग्लू लगाकर इसको मैं दोनों तरफ से प्रेस कर दूँगी और ये हमारी पाइपिंग लग के रेडी हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से हमारी ग्लू लग के तैयार हो गई है पॉकेट। और अभी ना जो अंदर वाला हिस्सा था ना ये मुड़ा हुआ थोड़ा सा, इसको भी मैं ग्लू से चिपका दूंगी इस तरह से। और चिपकाने के बाद ऊपर से फिर से मैंने इस पर ग्लू लगाई है। और ग्लू लगाने के बाद इसको ना सबसे नीचे जहाँ पर हमें सबसे नीचे का हिस्सा है ना वहाँ पर इसको लगा देना है। इस तरह से चिपका दिया है। और इसके बाद ना इस पर मैं सिलाई कर दूंगी बाद में, लेकिन अभी पहले मैं इनको ऐसे ही चिपका रही हूँ, इससे इजी हो जाएगा। अगर आप मशीन से करना चाहते हैं
तो आप मशीन से भी ये काम कर सकते हैं, बट मैं इस पर मशीन का यूज नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ना एक और पीस मैंने यहाँ पर लगा लिया पॉकेट इसी तरह से तैयार करके। तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करना है, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ा कर रखनी है पॉकेट्स बिल्कुल इक्वल करके। ऐसा नहीं है कि मतलब दूर दूर लगानी है, इक्वल करके लगानी है, एक दूसरे के ऊपर करके, ऊपर नीचे करके। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसको लगा लिया है। तो इस तरह से एक हमारी पॉकेट जैसी तैयार हो गई है। और उसके बाद चारों पॉकेट मैं लगा लूँगी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करते हुए। ये देखिए चार पॉकेट हमारी रेडी हो गई है और हाफ हाफ इंच ऊपर लगाया है मैंने इनके ऊपर करके। उसके बाद मैं सुई धागे की हेल्प से इनको ना सिल दूंगी इस तरह से। इस तरह से सुई धागे की हेल्प से इनको सिलना है मुझे। ये देखिए ये ना बहुत आसानी से सिल जाता है। कच्चे धागे टांके से सिलाई लगा रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इस पर नहीं कर रही हूँ। अगर आप सिलाई मशीन से लगाना चाहें तो सिलाई मशीन से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चारों ही पॉकेट इस तरह से सिल दी थी और उसके बाद ग्लू लेकर मैंने इनको पॉकेट को ना आपस में चिपका दिया यहाँ से। उसके बाद मैं इन पर ना सिलाई मशीन लगा दूंगी बाद में। तो इस तरह से इन्हें चिपकाना है। ये चिपक गई है हमारी पॉकेट। उसके बाद हमने उल्टा किया और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कट कर देना है। जो भी पॉकेट बाहर निकली हुई है ना उन्हीं को कट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कट कर दी है, एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक था वो निकाल दिया है। अभी मैं इसे सीधा करूंगी और चारों तरफ से सुई धागे की हेल्प से इसे सिलाई लगा दूंगी। तो बहुत आसानी से लग जाता है, थोड़ा मोटा होता है जींस का कपड़ा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। बाकी आप इसे सिलाई मशीन से लगा सकते हो, बट मैं जो सिखा रही हूँ वो इसलिए हाथ से सिखा रही हूँ ताकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको सिलाई मशीन चलानी नहीं आती है या फिर जिनके घर में सिलाई मशीन नहीं है और उनको इस तरह का ऑर्गेनाइजर बनाना होता है तो वो बना सकते हैं इजीली। और यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई लगा दी है दोनों तरफ से, देख लीजिए आप। और उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ से ना एक मैं ट्रायंगल जैसी शेप में कट लगाऊंगी। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप में मैंने कट लगा लिया है और उसके बाद मैं इस पे बैक साइड में क्या करूँगी, एक फैब्रिक लिया है मैंने और उसको मैं ग्लू की हेल्प से चिपकाऊँगी बैक साइड में। और ये कॉटन का फैब्रिक है, मेरा पुराना तकिया था उसी का पिलो कवर था, उसी से मैंने इसको कट किया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको लगाऊंगी। सिर्फ तीन तरफ से ही मुझे इसे चिपकाना है, एक साइड से नहीं चिपकाना है। उसका रीज़न आपको आगे समझ में आ जाएगा कि एक साइड से मैंने इसे क्यों नहीं चिपकाया ऊपर से। तो इसको मैं यहाँ से खुला छोड़ूंगी इस तरह से। तो इसको यहाँ से मैं लगा दूंगी। तो ये फैब्रिक ग्लू से चिपका दिया है और अभी देखिए यहाँ से मैंने खुला छोड़ा है इसे और अभी मैं सीधा कर रही हूँ और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर दूंगी। तो यहाँ पर ये कट कर दिया है, निकाल दिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक। और उसके बाद यहाँ पर मैं लगा दूंगी मतलब पाइपिंग। तो ये पिंक कलर की ही फैब्रिक ली है मैंने और इसी से मैं एक पाइपिंग तैयार करूंगी, जैसे कि मैंने वहाँ पर तैयार की थी वैसे ही पाइपिंग यहाँ पर तैयार करके लगा दूंगी।
तो पहले यहाँ पर मैं ग्लू लगाऊंगी और ग्लू लगा के एक पाइपिंग बनाऊंगी और उसके बाद इसको यहाँ पर अटैच कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी पाइपिंग तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सुई धागे की हेल्प से यहाँ पर लगा देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पाइपिंग लगा दी है और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिया है एक बैंगल जो कि मेटल का है और उसके ऊपर मैंने लिया एक डेनिम का फैब्रिक, जीन्स का ही फैब्रिक ले लिया है मैंने, जो कट हो किया था जीन्स उसी में से एक फैब्रिक ले लिया था। और उसके बाद मैंने लिया है ग्लू, और ग्लू का ना ढक्कन बार बार मैं खोल रही थी वो उसी में चिपक गया है। और ये देखिए मैंने ग्लू लगा ली है, फैब्रिक ग्लू जो होती है वो, और इसको मैं हाथ से स्प्रेड कर दूँगी। और इसको ना मैं जो फैब्रिक है इसको मैं इसके अंदर अच्छे से पेस्ट करूँगी, इस तरह से फोल्ड करके ना, रोल रोल करके इस तरह से इसमें लगा दूँगी। ये देखिए इस तरह से रोल रोल करके हम इसमें लगा देंगे। ये देखिए, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर में आप ना बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो, अपने बच्चों की सॉक्स रख सकते हो, मोजे रख सकते हो मतलब, और हैंकी रख सकते हो, या अंडर गारमेंट्स भी रख सकते हो, या छोटे मोटे मोबाइल के चार्जर होते हैं, लीड होती हैं जो इधर उधर पड़ी रहती हैं वो रख सकते हो, आप मेकअप का सामान रख सकते हो, बच्चों का वो होता है ना जैसे स्केच पेन, कलर्स वगैरह, स्टेशनरी का सामान होता है वो भी रख सकते हो बच्चों की कवर्ड में। बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी रखी हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। और उसके बाद देखिए मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से अटैच किया सुई धागे की हेल्प से, तो ये एक तरह से हैंगिंग हमारा बन जाएगा हैंग करने के लिए, और किसी को ये पता भी नहीं चलेगा कि इसके पीछे बैंगल लगा हुआ है। तो देखिए घर में ना ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हम अपने घर को सजा सकते हैं, घर को संवार सकते हैं, और मुझे ये सब चीज़ें करना बहुत पसंद है। पर्सनली बताऊँ तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं मतलब ये सब काम किया करती थी। और देखिए उसके बाद जो मैंने पीछे से छोड़ा था ना पीस थोड़ा सा, वहाँ पर मैं एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया है जो कि मेरा एसी का था। आपको पता ही है मैंने अभी कुछ दिन पहले रेस्टोरेंट से एसी लगा था, तो वहाँ से कार्डबोर्ड जो था वो मैंने मंगा लिया था। मैं कुछ भी चीज़ ऐसे वेस्ट नहीं जाने देती, मैं मंगा ही लेती हूँ मतलब ले लेती हूँ यूज में उन्हें किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए जो कार्डबोर्ड था वो मैंने इसके साइज का ही कट किया था और इसके अंदर फंसा दिया, और ये थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने इसको थोड़ा सा कट करके अलग निकाल दिया था क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो रहा था इससे, तो मैंने इसको कट करके अलग से निकाल दिया। और ये सीजर से बहुत मतलब मोटा था तो इसके कटने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और ये मैंने कार्डबोर्ड इसलिए लगाया ताकि ये ना हमारा जो ऑर्गेनाइजर है ये लटका लटका ना रहे। तो अभी हमारा ऑर्गेनाइजर बनके रेडी हो गया, अभी मैं इसे डेकोरेट करूँगी। तो ये देखिए पीछे हमारा कार्डबोर्ड लगा, जब भी धोना हो तो कार्डबोर्ड निकाल कर हम इसे वॉशिंग मशीन में ईजिली धो सकते हैं। तो अभी डेकोरेट करने के लिए मैंने एक एक फ्लावर और पत्ती लगा दी है, और अभी इसमें देखिए आप कितना सारा सामान ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो रखी हुई है मेडिसिंस, और ये डायरी रखी हुई है एक, और यहाँ पर नीचे एक क्लेचर रखा हुआ है लवी का, और यहाँ पर देखिए पर्स टाइप का रखा था, और यहाँ पर स्टेशनरी का थोड़ा सा सामान रखा हुआ। तो आप इसमें मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज कर सकते हो, जो भी आपका मन करे वो आप इसमें लगा सकती हो। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो,
अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर अच्छी लगती है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।